शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव से पहले हाईकोर्ट से यह बड़ा झटका लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि 25,753 शिक्षकों की भर्ती रद्द हो गई है। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। विपक्ष की एक बार फिर भ्रष्टाचार की पोल खुली है। कैसे जनता को ठगा, नकद के बदले नौकरी, ये आरोप ही नहीं अब ये सिद्ध भी हो गया है। ममता बनर्जी जी की सरकार के समय कैसे भर्ती घोटाला हुआ, लेकिन खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ा, लाखों लोगों के साथ भेदभाव हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भाई भतीजावाद हुआ। और अब कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 25,753 लोगों की उन नौकरियों को निरस्त किया जाए। कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे अपने आप। और ये पार्टियां कहती हैं कि ये जो सपने देखते हैं कि सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये भ्रष्टाचार यही नहीं, जॉब के बदले जमीन लालू प्रसाद यादव जी, नकद के बदले नौकरी ममता बनर्जी जी, और इनके यहाँ से कैश भी मिलता है, जमीन के कागज भी मिलते हैं। तो देश की जनता को यही कहूँगा, एक तरफ ये हैं जिन्होंने ग्रुप सी डी की भी नौकरियों की बात हो वहाँ पे भी धांधली की, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने पिछले एक साल में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी सरकारी, और उसमें 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा। और एक और बड़ी खबर, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है।